दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण, चार राशि वालों का जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। हर तरफ दौलत और शोहरत ही होगी, मान पद प्रतिष्ठा के साथ ये पाएंगे अपार धन। दोस्तों वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में घटित होने जा रहा है। वैसे सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना जरूर है, लेकिन भारत में इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व बहुत अधिक माना जाता है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है। इस घटना का मानवीय जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। साल 2023 का ये पहला सूर्य ग्रहण गुरुवार 20 अप्रैल को लगने जा रहा है, जो एक खगरास सूर्य ग्रहण होगा। ये मेष राशि में लगने जा रहा है, जो करीब 5 घंटे 24 मिनट तक रहेगा। सूर्य ग्रहण के बाद शुभ ग्रह गुरु का राशि परिवर्तन होगा, जो सूर्य ग्रहण के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर देगा। लेकिन इन सब का प्रभाव चार राशियों पर सबसे अधिक दिखाई देगा। इन चार राशियों को ये सूर्य ग्रहण और आसपास के समय होने वाला ग्रहों का गोचर लाभान्वित करने वाला होगा। ऐसे समय जीवन में बार बार नहीं आता। क्या आपकी राशि भी इनमें शामिल है? जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें जय सूर्य देव। दोस्तों इस सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होंगे और सूर्य ग्रहण से बस दो दिन बाद ही गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे में साल का ये पहला सूर्य ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूर्य ग्रहण की शुरुआत 20 अप्रैल को सुबह 7:05 से होगी। सूर्य ग्रहण का खगरास 8:07 पर होगा और सूर्य ग्रहण का मध्य यानी परम ग्रास सुबह 9:47 पर होगा और ग्रहण की समाप्ति दोपहर 12:29 पर होगी। तो सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 2 घंटे 24 मिनट की होगी। ज्योतिष में कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण आने के बाद धरती से जुड़ी आपदाएं आती हैं। तो चंद्र ग्रहण के दौरान समुद्री आपदाएं यानी कि पानी से संबंधित आपदाएं अधिक आती हैं। समुद्र के जल के भीतर भी भूकंप आते हैं, लेकिन इस बार का ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। कंबोडिया, चीन, अमेरिका, सिंगापुर, थाईलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र के कई देशों में ये दिखाई देगा। भारत में दिखाई न देने के कारण इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन हर खगोलीय घटना का मानवीय जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। 12 राशियों पर भी इसका असर पड़ेगा, तो सावधानी तो बरतनी ही होगी। ग्रहण काल के दौरान धार्मिक कार्य पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं। ग्रहण के दौरान मंदिरों के पट भी बंद रहते हैं। गर्भवती महिलाओं के साथ रोगियों को भी विशेष सावधानी सूर्य ग्रहण के दौरान रखनी होगी। इतना लंबा सूर्य ग्रहण और उस पर सूर्य का अपनी राशि मेष में होना वैश्विक राजनीतिक में उथल पुथल मचा सकता है। सूर्य ग्रहण का मेष जातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग रहना होगा, साथ ही जोखिम वाले काम से बचना होगा, नहीं तो कष्ट मिल सकते हैं। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव हैं और अभी आपकी राशि में सूर्य, चंद्र, बुध और राहु जैसे ग्रहों की युति बन रही है। ऐसे में आपको मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अनावश्यक तनाव से बचने के लिए प्रयत्न करना होगा। आपको आर्थिक मामलों और करियर के मामलों में भी सूर्य ग्रहण के बाद उलझनों का सामना करना पड़ेगा। अधिकारियों की नाराजगी के साथ अपेक्षित प्रमोशन और लाभ नहीं मिलने से भी मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। वैसे आपकी राशि में गुरु आ जाने से आपको कुछ राहत भी मिलेगी और आप जीवन में संतुलन बनाने में कामयाब होंगे। दोस्तों माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय उचित खास बातों का ख्याल रखा जाए तो ग्रहण घर परिवार और व्यक्ति के स्वयं के जीवन को कुछ खास प्रभावित नहीं करता। मेष जातक भगवान शिव जी की आराधना करें, दुष्ट प्रभाव में कमी आ जाएगी। सूर्य ग्रहण के कारण और भी कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें इस अवधि में लाभ मिलेगा, तो कुछ राशियों को हानि का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव चार राशियों पर सर्वाधिक पड़ेगा। इस अवधि में इन चार राशियों को धन लाभ, पदोन्नति और नौकरी में सफलता मिल सकती है। सूर्य के समान चमकेगा उनका भाग्य। तो जानते हैं वो चार राशियां कौन कौन सी हैं? बताने से पहले
आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण से लाभान्वित होने वाली पहली खुशकिस्मत राशि है वृषभ राशि। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से वृषभ वालों की आमदनी में वृद्धि होगी, विदेशी धन मिलने के योग बनेंगे, जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। कह नहीं सकते पर एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो किसी अंशकालीन व्यापार में भी हाथ आजमा सकते हैं, जो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी दर्ज करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। ये समय आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, आपके मन में प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे, चारों तरफ का माहौल सकारात्मक नजर आएगा। नौकरी में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो आप सफल होंगे। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिलेंगे, आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ही बेहतर होगी, बचत करने में सफल रहेंगे, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। सरकारी संगठन या सरकारी परियोजना के लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो बेहद सावधानी से करें, बाएं आंख या पैर में चोट लगने की आशंका होगी तो संभल कर रहें। ये समय स्वास्थ्य के लिए ध्यान देने योग्य होगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा काम करना आपको थकान और कमजोरी का अनुभव कराएगा, जिससे आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आपकी योजनाओं में गति बनी रहेगी और आपको उनका उचित परिणाम भी प्राप्त होगा। शुभ परिणामों में वृद्धि पाने के लिए ग्रहण और आसपास के समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस समय की अगली भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से मिथुन जातकों को बड़े धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, अटका हुआ कहीं फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। वैवाहिक जातकों के लिए संतान प्राप्ति के योग हैं, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी, विरोधियों को मात दे पाएंगे, आपको राजनीतिक लाभ होगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होगी। ग्रहण के दो दिन बाद देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करेंगे, ये गोचर अस्त अवस्था में होगा। देव गुरु बृहस्पति आपकी आमदनी में चौतरफा वृद्धि के योग बनाएंगे, इस दौरान संतान सुख और सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है, आपको अपने करियर में भी सफलता मिलने के योग बनेंगे। इस समय में आपके वेतन में वृद्धि के भी संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान अगर आपको कोई दोस्त या रिश्तेदार बैंक से कर्ज लेते हैं तो आप उनके जमानतदार यानी गारंटर नहीं बने। दूसरे के लिए अनावश्यक जिम्मेदारी लेना आपको दिक्कत दे सकता है, यानी इस दौरान केवल अपने काम से काम रखें और मिलने वाले शुभ परिणामों में शुभता बढ़ाने के लिए शिव पंचाक्षर स्त्रोत का प्रतिदिन पाठ करें। दोस्तों, अब अगली खुश नसीब राशि है तुला राशि, जिसे इस ग्रहण से बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है। देव गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं, ये गुरु का गोचर आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्रदान करेगा, आपके मान सम्मान में तो बढ़ोतरी होगी ही, व्यापार में भी उन्नति होने के योग बनेंगे, लाखों करोड़ों का धन पाने के योग बनेंगे, जीवन साथी से अनबन होने में भी अब कमी आएगी और आप अच्छे निर्णय लेकर अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। जो कुछ गुरुजनों से या पिता समान लोगों से कहा सुनी मतभेद चल रहे थे वे भी दूर हो जाएंगे और स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी आ जाएगी। गुप्त रूप से आप अपने सुखों की प्राप्ति के लिए खर्च करते हुए नजर आएंगे, खर्चे के साथ ही उत्तम धन लाभ के योग भी बनेंगे, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, किसी तरह की पैतृक संपत्ति या विरासत मिलने की भी संभावना होगी। केवल वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, नुकसान संभव है। इस समय काल में परिवार के लोगों के बीच प्रेम और प्रगाढ़ता बनी रहेगी, जो छोटी मोटी समस्याएं या वाद विवाद चल रहे थे उनमें भी कमी आ जाएगी। शुभ फलों में वृद्धि पाने के लिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने, व्रत रखें, देव गुरु बृहस्पति की पूजा करें, केले की जड़ की पूजा करें। अब अगली खुश नसीब राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को सूर्य ग्रहण के प्रभाव से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, इस समय भाग्य आप पर मुस्कुरा रहा होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो मुनाफा होगा, नौकरी पेशा करने वाले जातकों को वेतन में वृद्धि के साथ तरक्की भी मिल सकती है, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता हासिल करेंगे। तो नए काम में अगर हाथ आजमाना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल ठीक रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। धनु राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, साथ ही गर्भवती धनु महिलाओं को इस दौरान बेहद सतर्कता बरतनी होगी। ग्रहण या ग्रहण से संबंधित कोई वीडियो भी देखना आपके लिए
नुकसानदायक हो सकता है। बेहतर है कि श्री राम रक्षा सूत्र का पाठ करें। राम नाम का जाप करने से सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी हो जाता है। तो साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण और अन्य ग्रहों के गोचर मिलकर इन चार राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहे हैं। सूर्य की तरह इनका भाग्य चमकने जा रहा है। कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखना ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।